हाँ जी, मेरा नाम वलीदाद है और मैं यहाँ अरसा 38 साल से कबाब बना रहा हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब यहाँ काम करते थे। 1949 से आनवाड़ी में काम हमने शुरू किया था और मेरे वालिद साहब के बाद उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मैंने उसी की है, उसके बाद में उसी करने के बाद यहाँ मुझे शिफ्ट कर दिया गया है और 1978 से लेके अब तक जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये काम को अनस्टी तौर पे अच्छा करके काम कर रहे हैं। ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था, उसको हम इस काम को ताकि पाया तकलीर तक आगे और मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाए। सुबह हम सवेरे आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये गोश्त खरीदते हैं, अपना गोश्त बनाते हैं, बेहतरीन ताज़ा गोश्त होता है। सुबह सवेरे आकर गोश्त लेते हैं इसको, फिर उसको खुद ही अपने हाथों से कीमा बनाते हैं, उसका अपनी कस्टडी में बनाते हैं। मैं आज़ादी अपनी कस्टडी में बनाता हूँ उसको, इस काम को खुद मैं देखता हूँ। तो उसके बाद जो है कीमा बना के हम काम शुरू कर देते हैं। जो काम हमारा रश जो लगता है वो तकरीबन 11 बजे शुरू होता है हमारा काम, तकरीबन 3 बजे तक जो है ये हमारा काम आनवाट शुरू रहता है। उसके बाद थोड़ा सा बीच में स्टेबल आ जाता है क्योंकि देहाती इलाका है, ये देहाती एरिया है, लोग जो है घरों को चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो है मगरब के बाद फिर दोबारा हमारा ये काम शुरू होता है और फिर उसके बाद जरा 10:30 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, 10:30 बजे तक यहाँ हम काम करते हैं। मेरा नाम जी है और 40 साल से इधरी काम कर ये जो काम, उसके बाद कीमत तैयार कर देते हैं हम। तो उसके अंदर ये जो कबाब के अंदर जो मटीरियल होता है, जो मसाला होता है, वो हम पिंडी से मंगाते हैं अपना खुद, खुद हम मतलब मसाला लेके उसको खुद तैयार करते हैं इस कबाब के लिए। तो इसके बाद जो है इसके साथ वो प्याज भी होता है, सब्ज़ मिर्ची होती है और दूसरा ज़ीरा, जवैन, धनिया, अनारदाना और ख़ास किस्म का एक मसाला जो पिंडी से हम उसको तैयार करा चलाते हैं, दार किस्म के इसके अंदर डालते हैं। अंडा भी होता है साथ में, टमाटर भी साथ देते हैं, मिर्ची भी साथ में मिला के देते हैं। तो ताज़ा बताज़ा, ये जितना ताज़ा बताज़ा खाया जाए इतना इसका टेस्ट है। ये एन मौके पर अगर इसको ज़्यादा खाया जाए तो इसको ज़्यादा टेस्टी है।